नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनएच 71 पर सालों पुरानी रेलिंग और सड़क के बीच बने डिवाइडर बन रहे हादसों का कारण, मंगलवार को रेलिंग से टकराकर कार हुई क्षतिग्रस्त। भिवाड़ी के बीएमए हाउस में यूनिवर्सल नंबर को लेकर हुआ सेमिनार का आयोजन, भविष्य निधि विभाग की ओर से दी गई अहम जानकारी। और रोटरी क्लब ने पानी को बचाने के लिए की सराहनीय पहल, बीएमए हाउस में लगवाया वाटरलेस यूरिनल सिस्टम। और अब समाचार विस्तार से। भिवाड़ी के एनएच 71 पर सालों पुरानी रेलिंग और सड़क के बीच बीच में बने डिवाइडर्स हादसों का कारण बन रहे हैं। एनएच 71 पर आए दिन हादसे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। भिवाड़ी में इस सड़क पर सफर करने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सड़क अब खूनी सड़क बन चुकी है। भिवाड़ी मोड़ से नीलम चौक तक एनएच 71 पर जगह जगह बने डिवाइडर और टूटी पड़ी रेलिंग हादसों का कारण बन रही है, जिसका ताजा उदाहरण देखने को मिला नीलम चौक के पास, जहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि डिवाइडर के बीच लोहे की रेलिंग में टकराने के बाद ये कार पलट गई। चालक को लगा कि रेलिंग के बीच में जगह है और उसने गाड़ी को निकालने के लिए डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे हादसा हो गया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। रात में ये झुकी हुई है, दिखाई नहीं देती है, गाड़ी इसके बहुत जबरदस्त से रगड़ के, बाइक वाला तो ऐसे है एक दो यहाँ फूट के चले गए। और ये जो जगह जगह रेलिंग टूटी हुई है, इसकी वजह से कभी गाय कूद जाती है, कभी गाड़ी वाले पांच पांच गाड़ी एक साथ ठुक जाती है। अच्छा। और ये पीछे जो चौक है, इस चौक पर तो कई बार मर्डर तक हो लिए। वही कारण है कि बीच में से है, एकदम से पशु इधर से गया, एकदम आगे आ गया, उसने ब्रेक मार दी, चार पीछे से ठुक जाते हैं। चार पांच बार देखा है सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं गया सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो। प्रशासन रात दिन यही घूमता है। क्या होना चाहिए आपके नजर में? ये सही होने चाहिए डिवाइडर, जो बीच में कट कट है सही होने चाहिए, जो जाली उपड़ी पड़ी है सारी लगनी चाहिए, ये जो खा हुआ है ये सही होना चाहिए। इसके अंडर में आता है तो सुना आपने, लोगों का कहना है कि रोड पर जो लाइटें लगी हुई हैं, उनमें से आधी जलती हैं, आधी जलती ही नहीं। इलाके के लोगों का कहना है कि रीको ने लोहे की रेलिंग, जो रीको द्वारा सालों पहले लगाई गई थी, उसके बाद अधिकारियों ने इसकी सुध नहीं ली। बहुत आती है, बहुत एक्सीडेंट होता है, पर कोई कर रहे जब ना, कोई सुनवाई ले जब ही तो। आपने कोई पहले की आपको भी शिकायत करने गए? शिकायत कई बार कर दी, रीको में कर दी, थाने में भी कर दी, पर कोई सुनता ही नहीं। क्या कहा उन्होंने? चलो देखेंगे। रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ तो, इस चौराहे के ऊपर तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये हमारा जो है ये सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है, ये यहाँ पर रोज चोरियाँ होती हैं और इसके अंदर लाइटें कोई नहीं जलती है। कई बार बोला रिको के अंदर जा करके, और किसको बोलेंगे, सभी गए हैं, भाई मिट्टू भी गया, ये हमारे इनसे बात करो, ये कई बार गए आज आज ठीक है ना। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में बहाने रेलिंग से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और ये नुकीली सरियानुमा रेलिंग मुड़कर तिरछी हो जाती है, जो राहगीरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। वहीं इस मामले पर रीको अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने पहले तो नेशनल अथॉरिटी का हवाला दिया, जिसके बाद इंसानियत के नाते रेलिंग को सही कराने की बात कही। पहले जो ये आजकल इसको नेशनल हाईवे नंबर 71B कहते हैं, आजकल इसके समस्त कार्य हाईवे अथॉरिटी द्वारा ही देखे जा रहे हैं। रीको आजकल इसके ऊपर, पहले जो ये आजकल इसको नेशनल हाईवे नंबर 71B कहते हैं, आजकल इसके समस्त कार्य हाईवे अथॉरिटी द्वारा ही देखे जा रहे हैं। रीको आजकल इसके ऊपर कोई काम नहीं करवाती है, फिर भी जैसे छोटे मोटे काम, जैसे रेलिंग अगर बैंड हो गई है या उसको इस टाइप से कोई हल्का फुल्का पैच हो गया, इस टाइप का काम हम थोड़ा बहुत करवा देते हैं,
तो ठीक है, अगर जैसे जो अभी आप लोगों ने जैसे आप लोगों से पता लगा तो उसको जो रेलिंग जो खराब होगी है उसको मैं तुरंत से हम हटवा देंगे। हमारा हमारा क्या बता रहे को आजकल इसके हमारे यहाँ पर 71B हाईवे डिक्लेयर होने हुआ जब से हमारा कोई मेंटेनेंस का इस पर कोई बजट नहीं आता है और नहीं इस टाइप का कोई हमको डायरेक्शन है कि इस पर काम कराया जाए। लेकिन चूँकि अब इस टाइप का हुआ जैसे कि रेलिंग है तो वैसे मैं किसी भी हमारी जो अन्य जो ठेकेदार काम करते हैं उनमें से कहकर उनको हटवा देंगे जो खराब होगी, अदरवाइज रिपेयर करना इस टाइप का कोई एक्टिविटी हम रिको नहीं करते ना। वो तो ठीक है, फिर अन्य डिपार्टमेंट की ड्यूटी दी है, हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग अलग बटा हुआ है। रिको का काम अलग है, एनएच वाले का काम अलग है, यूआईटी का काम अलग है। तो आजकल हमको इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया गया है। पहले जब नहीं थी वो डिपार्टमेंट यहाँ पर उस समय रिको कराती थी काम। तो ये क्या लगता है कि जिस तरह से रेलिंग बैंड हो रही है और आए दिन गाड़ियाँ इसमें टकराती हैं तो किस तक कब तक इसका सोल्यूशन होगा? जो इस बारे में अपन ये जरूर कर सकते हैं जो रेलिंग प्रेजेंट में ख़राब है उनको हटवा करके उनको अन्यत्र हमारी स्टोर में रखवा दिया जाएगा। रीजनल मैनेजर रिको ने मामला मीडिया के सामने आने के बाद तत्काल टूटी पड़ी रैलियों को हटाने के आदेश तो दे दिए, लेकिन सड़कें लाइटें और डिवाइडरों पर ध्यान कौन देगा ये नहीं पता। अब अहम सवाल ये उठता है कि क्यों रिको ने पहले से इसकी पहल नहीं की। हादसे होते रहे, सड़क खून से लाल होती रही, लेकिन अधिकारी अपने एयर कंडीशनर कमरों में आराम फरमाते रहे। कहाँ जाएं लोग, किससे शिकायत कहें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले उनकी सुनते रहे। हादसों की सड़क बन चुके इस हाईवे पर न जाने कितनों की जान वक्त से पहले ही चली गई और अधिकारी सोते रहे, आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। आज हम खड़े हैं NH 71 पे जो भिवाड़ी मोड़ भिवाड़ी में जाता है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरी रेलिंग है यहाँ से पूरी टूटी पड़ी है, लेकिन प्रशासन का अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं है। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, रेलिंग जगह जगह टूटी है और एक तरफा झुकी हुई है और आए दिन इसमें वाहन टकराते हैं और प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहनी है जिस तरह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाएं कि ये किस तरह से यहाँ पे रेलिंग पूरी टूटी हुई है और रेलिंग में हर लोग यहाँ पे अटकते रहते हैं और गाड़ियाँ अटकती हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। रिको की अनदेखी के चलते भिवाड़ी में ट्रस्ट ने CETP में पानी के ट्रीटमेंट को बंद कर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि उनके CETP चलाने के लिए रिको पैसा नहीं दे रहा। CETP और रिको के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। भिवाड़ी के औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले जहरीले पानी को ट्रीट करने के लिए बने CETP प्लांट पिछले 3-4 दिनों से ट्रस्ट ने बंद कर दिया है। ट्रस्ट के चेयरमैन सत्येंद्र चौहान का आरोप है कि रिको जो पैसा उन्हें देता था उसमें कटौती की गई है, लिहाजा उनका बिजली का बिल ही 8-10 लाख रुपए का आता है और पूरा खर्चा करीब 35-40 लाख रुपए, जबकि रिको पिछले 2 महीने से उन्हें 8 लाख और 9 लाख रुपए दे रहा है, जिससे CETP को चलाना संभव नहीं है। हमें जो पैसा रिको देती है हम उसी के थ्रू चलाते हैं। रिको इंडस्ट्री से कलेक्ट करती है और वो पैसा हमें एक्रूवल बेसिस पे, मतलब हमने जो साल का खर्चा बना रखा है उसके हिसाब से वो हमें हर महीने पैसे देती है। पिछले 3 महीने सितंबर के बाद से, 1 अक्टूबर से एक डिसीजन रिको में हायर लेवल पे हुआ है कि जो पैसा कलेक्ट होगा एक्चुअल में उस पर 15% इनका जो पुराना बकाया है वो काट कर ये हमें देंगे। उसके हिसाब से हमें पिछले 2 महीनों में 8,64,000 रुपये मिला, उससे पहले 9 लाख रुपये मिला। तो हमारा करीबन CETP पे जो खर्चा है करीबन 30 से आसपास होता है, कई बार कुछ अगर जो मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाते हैं तो 2-4 लाख रुपये और ऊपर लग जाता है। तो हम ये मानते हैं कि 30-1 लाख रुपए खर्चा होता है, तो 30 लाख रुपए का खर्चा अगर हमें 9 लाख रुपए मिलते हैं तो हम उसको चलाने में असमर्थ हैं। और तभी तो स्पेंट एसिड का पैसा हमें जो पटापट्टी वाली इंडस्ट्रीज दे रही हैं उसके कारण हम थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हैं। अनलेस तो हमारे पास 7 लाख रुपए का तो बिजली का बिल होता है, वही जमा नहीं हो पाए। इसलिए जो चीज़ें चलनी चाहिए वो नहीं चल रही हैं। नहीं चल रहा है। हमने हायर लेवल पे सभी को पत्र लिखा है, रिको को, रिको MD को भी, चेयरमैन को भी, प्लस राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। और आज ही मेरी सुबह MS RPCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसका डिसीजन जल्दी होगा, आप चलाएं। और अब आप आज ही हमने वापस उसको वापस चालू कर दिया ट्रीटमेंट, 2-3 दिन ही हमने बंद रखा है क्योंकि हमें फ्यूचर ये लग नहीं रहा था कि भाई कोई हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा तो फिर हम कैसे करेंगे। तो अभी हमने वापस चालू कर दिया और शाम तक स्थिति वापस ठीक हो जाएगी। उन्होंने ये एश्योर किया है कि 5-6 दिन में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा,
चीफ सेक्रेटरी लेवल पर ये डिस्कशंस चल रही हैं। हमने भी माना है कि जब सीएस साहब ने कहा, चीफ जो एमएस है राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने कहा कि सीएस की मीटिंग हुई है, सीएस के साथ चेयरपर्सन रिको राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनकी मीटिंग हुई है, तो नेचुरल है कोई ना कोई डिसीजन निकलेगा। हम तो कह रहे हैं कि अगर जो आपको ये लगता है कि कहीं पैसे की अनियमितता है तो आप अपना आप आदमी बैठा दीजिए, आप कोई ट्रस्ट के ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी बैठा दें और चीज़ें जैसे ठीक हो सकती हैं वैसे चलें। हमारा मानना ये है कि चीज़ें ठीक चलें, तब तक अगर ठीक के नहीं चलेंगी तो ना चलो दिक्कत इंडस्ट्रीज को भी आएगी और एरिया को भी। तो सुना आपने, अगर ये CETP के टैंक कुछ दिन और इस जहरीले पानी से भरे रहे तो वाटर लेवल को भारी नुकसान होगा, जो भिवाड़ी की आवाम की सेहत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ट्रस्ट के चेयरमैन सत्येंद्र चौहान का कहना है कि अगर रीको को कंपनी पैसा नहीं दे रही तो ट्रस्ट को पावर दी जाए, वो खुद ही इस काम को संभाल सकते हैं। बहरहाल रीको और ट्रस्ट के बीच खिंची इस तकरार से लोगों का ही नुकसान हो रहा है। रोटरी क्लब भिवाड़ी समाज सेवा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। भिवाड़ी के विकास में रोटरी क्लब का बड़ा सहयोग है। रोटरी क्लब ने मोक्ष धाम के जीर्णोद्वार को लेकर बेंच और मोक्ष धाम में पानी की व्यवस्था की है, जिसका अनावरण शनिवार को होगा। शनिवार को रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा मोक्ष धाम का अनावरण किया जाएगा। रोटरी क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष संजय खन्ना ने बताया कि उन्होंने मोक्ष धाम में गरीबों को निःशुल्क व्यवस्था की है, साथ ही लोगों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की है। इसके साथ ही पानी के साथ चार दीवारी पर टाइल लगाई जा रही है। तो अब इस साल भी जो पहली जुलाई से जो कार्यकाल हुआ, तो कुछ क्लब के रोटरी क्लब के परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कई सालों से चल रहे हैं। एक तो है यहाँ पर डिस्पेंसरी है, आशियाना बगीचा के सामने वो कॉर्नर के ऊपर एक डिस्पेंसरी है। एक बब्बर चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ इंडस्ट्री रैलिसन केबल्स करके फैक्ट्री है, उनका ट्रस्ट है और वो बहुत सालों से सपोर्ट करते हैं। तो वो डिस्पेंसरी के अंदर जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो पेशेंट्स हैं वो पेशेंट्स भी उनको जो प्रिस्क्रिप्शन भी फ्री है, उनको दवाइयां भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, खाली प्रिस्क्रिप्शन नहीं दवाइयां भी। तो एक वहाँ फुल टाइम डॉक्टर हैं, एक कंपाउंडर हैं, एक हेल्पर है, ऐसे करके तीन या चार जनों का स्टाफ है जो फुल टाइम है, और इसको भी चलते हुए अब बहुत साल हो गए। तो अभी भी उसका पूरा का पूरा जो एक्सपेंडिचर है वो रोटरी मैनेज करता है थ्रू दैट चैरिटेबल ट्रस्ट, तो इस साल भी चल रहा है। और अप्रॉक्सीमेटली 850 से 850 पेशेंट्स हर महीने ट्रीट होते हैं 25 दिनों में, यानी ऑन एन एवरेज 30-31 पेशेंट्स पर डे वहाँ पर ट्रीट होते हैं। तो एक तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी पहले से चल रहा है, दूसरा है जो मोक्ष धाम का है। फिर मोक्ष धाम के प्रोजेक्ट में तो जब ये लगा था तब तो भिवाड़ी में कुछ था ही नहीं, तो एक वो खुला मैदान था जहाँ पर लोग यूज़ कर लेते थे। तो मोक्षधाम बना 2003 के आसपास वो बना था। इस साल जो उसमें एडिशन है वो ये है कि जो पहले बेंचेस बैठने के लिए दो या तीन थी, तो लोग आते थे तो कुछ बैठ जाते थे, कुछ खड़े रहते थे। ये सारे फीडबैक्स जो थे, ये खास करके जो अब क्योंकि यहाँ रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बढ़ने लग गई, खास करके वो आशियाना में उत्सव वगैरह बढ़ने लग गए, तो अब जब थोड़े रिस्पेक्टेबल लोग सीनियर लोग आते हैं तो उनका फीडबैक भी एक अलग मिलता है कि वेटिंग करना तो थोड़ा धूप में थोड़ा बैठना। तो पहले दो या तीन बेंचेस थी, अभी जो है कम से कम 15-20 बेंचेस और लगी हैं। रोटरी का अपना एक वहाँ पर एक मौजूदगी दिखती नहीं थी, पता नहीं लगता था लोगों को कि कॉन्टैक्ट करें किससे करें, तो अब वो रोटरी का एक व्हील सिंबल ये भी लग गया है। दूसरा है कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत एक वहाँ पे पूरे नियम प्राइसेस रेट सब वो भी लगा दिए गए हैं कि भई अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो किन लोगों को कॉन्टैक्ट करना, लकड़ी होगी तो किस रेट पे मिलेगी, पंडित जी की दक्षिणा है जो कि रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी, ऐसा करके वो भी वहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। उसके बाद में कई रीति रिवाज हैं जहाँ पे वो बाथरूम वो लोग नहाते वहीं हैं, कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं, तो अभी बाथरूम भी वहाँ पे फर्निश मतलब टाइल्स लगा दी गई हैं। संजय खन्ना का कार्यकाल 5 से 6 महीने का बचा है। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करीब 8,500 पौधों का रोपण किया गया है, ये पेड़ स्कूलों में भी लगवाए गए हैं। आने वाले दिनों में पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पत्तों को न जलाकर उसका खाद कैसे बनाया जाए, इस पर काम चल रहा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी का जीवन में कितना महत्व है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस मूलभूत सुविधा के लिए भिवाड़ी के लोग जूझ रहे हैं।
पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए रोटरी क्लब ने एक सराहनीय पहल की है। रोटरी क्लब ने बीएमए हाउस में वाटरलेस यूरिनल लगवाया है, जिससे पानी की काफी बचत हो रही है। दिल्ली आईआईटी के छात्रों द्वारा तैयार किए गए वाटरलेस यूरिनल सिस्टम लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वाटरलेस यूरिनल के महत्व को समझते हुए रोटरी क्लब ने इसे बीएमए हाउस में लगवाया है। भिवाड़ी में पानी की किल्लत को देखते हुए इसका उपयोग कितना फायदेमंद साबित होगा, इसके लिए लोगों को जागरूक करने का काम भी रोटरी क्लब बखूबी कर रहा है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष संजय खन्ना ने बताया कि वो दिल्ली गए और फिर भिवाड़ी में आकर उन्होंने इसके लिए एक अलख जगाई, जिसमें उद्यमियों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने यहाँ वाटरलेस यूरिनल लगवाए हैं। जब हम लोग आईआईटी गए तो पता लगा कि गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट के, कि एक जो पब्लिक प्लेस का यूरिनल है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कोई मॉल, पिक्चर हॉल, एयरपोर्ट, एक सिंगल यूरिनल एक साल में सिर्फ पानी को फ्लश करने के लिए 151,000 लीटर यूज करता है एक यूरिनल। अब वहां पे 5-6-7 लगे हों तो कितना होता है ना। इतना जल संरक्षण से ना बारिश का इकट्ठा नहीं होता जितना ये पानी धोने में वेस्ट होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ 3-3-4-4 हज़ार लोगों की लेबर फोर्स है, 1-1,000 की लेबर फोर्स है, उनके यहाँ बाथरूम का, टॉयलेट का डिस्पोजल जो है ना वो प्रॉब्लम है। जहाँ 1,000 आदमी 24 घंटे काम करते हैं ना, तो बाथरूम का आउटपुट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने उन लोगों के साथ बात की, भिवाड़ी की बात करी, पानी है नहीं, ज़मीन में है नहीं, जो है उसका निकलने का रास्ता नहीं। तो अब उनके साथ हमने ये बात की कि एक साल हम जो भी यहाँ करेंगे वो एक साल के अंदर उनकी कीमत उन्होंने आधी कर दी कि भाई क्योंकि आप भी एनजीओ हो और आईआईटी का भी मकसद एक इनका था, तो अब उन्होंने एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, ताकि उनका आदमी आए, लगाए, 2-3 बार आ सके तो वो कवर हो जाए। मेरे ख्याल 3,000-3,500 रुपये एक यूरिनल का ही कॉस्ट है। उसमें सबसे पहले हम लोगों को भी लगता था चलेगा नहीं चलेगा, तो अभी बीएमए के अंदर लगे हुए हैं। जो बीएमए का टॉयलेट है, आप कभी जाके देखें, उस पर स्टिकर भी लगा हुआ है कि कितने लाख लीटर पानी लगता है जो बच रहा है, वो स्टिकर भी है। तो बीएमए के टॉयलेट आज 5-6 महीने से लग रहे हैं। ओरिएंट सिंटेक्स में जहाँ पे बहुत बड़ी मैन पावर है, वहाँ पे भी उनके ऑफिस में 2 लगाए गए। जब 4-5 महीने दिख गए तो फिर अगला आया कि क्या इंडस्ट्री में जहाँ वर्कर्स हैं, क्योंकि वहीं पर वो थूकना, तंबाकू, ये सब की प्रॉब्लम आती, तो वहाँ कामयाब होंगे क्या। एक फैक्ट्री है हमारे मेंबर हैं वेव्स एयरकॉन करके, उनके यहाँ पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। उनके यहाँ पे करीब 300 आदमी है, बाथरूम के लिए अलग से टैंक है। आप ये माने कि कम से कम हमारे यहाँ पे 200 लीटर पानी की पर डे बचत है। निश्चित रूप से मैं तो मानता हूँ कि भिवाड़ी की कंपनियों में कहिए, ऑल ओवर इंडिया में इसकी मुहिम चलानी चाहिए वाटरलेस यूरिनल की, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि इसको मेंटेन करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि पानी में भी गीला हो जाता है, कचरा चिपक जाता है, उसमें जाली में कचरा फंस जाता है, ये बहुत आसान है इसको मेंटेन करना। इसलिए हम तो सजेस्ट करेंगे कि सभी जगह इसकी मुहिम चलानी चाहिए वाटरलेस यूरिनल। अभी तक कंपनियों में इसकी पहल हुई है? हाँ, कुछ कंपनियों में ओरिएंट सिंटेक्स में और कुछ और कंपनियों में जिलेट में और इसमें जैक्वायर में, इन कुछ कंपनियों में वाटरलेस यूरिनल लगा रहे हैं लोग, पर धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है और इसका यूज बढ़ेगा निश्चित रूप से। बहुत सपोर्टफुल चीज़ है। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 35 वाटरलेस यूरिनल सिस्टम को कंपनियों में लगवा दिया गया है, जिसमें से 21 वेव्स एयरकॉन कंपनी में ही लगवाए गए हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में पानी की बचत हो रही है। संजय खन्ना ने बताया कि 35 से 40 और भी लगने वाले हैं। पानी को बचाने के लिए लोगों को इस सिस्टम को लगाना चाहिए। यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे, आप बने रहिए खबरें 24 के साथ। बदलते मौसम का मिजाज, कहीं कर ना दे आपकी हालत खराब, हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव।
देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारें सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल, किसका हुआ बुरा हाल, कौन हुआ कब किसके साथ, किसने छोड़ा किसका हाथ, बॉलीवुड की हर खबर देखिए खबरें 24 पर 3 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय पहल करते हुए रोटरी क्लब और सेंट जूबियर स्कूल के सहयोग से एक स्कूल चलाया जा रहा है। बाल वाहिनी नाम के इस स्कूल में गरीब तबके के बच्चों को सामाजिक ज्ञान के साथ साथ प्राइमरी शिक्षा दी जा रही है। रोटरी क्लब और सेंट जूबियर स्कूल के सहयोग से भिवाड़ी में कई सालों से बाल वाहिनी नाम से एक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। फिलहाल इस स्कूल में करीब 65 बच्चे हैं। ये सभी वो बच्चे हैं जिनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहते। उन बच्चों को रोटरी क्लब और सेंट जूबियर स्कूल पकड़कर उन्हें यहाँ शिक्षा देता है। कॉपी किताबों के साथ सामाजिक ज्ञान ही क्लब की प्राथमिकता है। बालवाड़ी जो स्कूल है इसको भी चलते हुए आज 13-14 साल हो गए, तो यहाँ पर भी ये सेंट जेवियर्स के साथ है। तो यहाँ पर क्या है कि वो क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल सब हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि काफ़ी एक इस तरह के कम्युनिटीज़ हैं जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते, जैसे गड़िया लोहार, उनको माइंड में रख के बनाया गया था। तब भिवाड़ी उस स्थिति में था 15 साल पहले जहाँ ये गड़िया लोहार और ये सारे हुआ करते थे। आज भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लेबर क्लास, जो रेड़ी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, सब्जी हैं, होटल ढाबे हैं, जहाँ पर वो छोटे बच्चों को ही काम में लगा दिया जाता, भेजा नहीं जाता स्कूल। तो ऐसे में हर साल करीब 30-35 बच्चों को, ऐसे बच्चों को उठाया जाता है जो कि कभी स्कूल, सरकारी स्कूल भी नहीं जाते। वहाँ पे जो है वो मैडम्स हैं, आंगनवाड़ी की मैडम भी आती हैं, सेंट जेवियर्स से भी मैडम आती हैं। ये जो सारा है वो सेंट जेवियर्स के साथ है। वहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पर किताबों में वैसे नहीं पढ़ाते, मतलब ये स्कूल को रिप्लेस नहीं कर रहा वो। पहला तो ये है कि ये उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए है कि आपको पढ़ाई से फ़ायदा क्या होगा। भाई आज आप सोचते हो कि भाई थोड़ा कुछ पैसे कमा लोगे, लेकिन लाइफ में आप थोड़ा बड़े बढ़ने पे नहीं कुछ हो पाएगा। तो इसलिए उनको वहाँ ड्रेस दी जाती है, किताबें दी जाती हैं, ABCD पढ़ाई जाती है, अच्छी हैबिट्स साफ़ सफाई के बताए जाते हैं, कुछ समाज के नियम कानूनों के बारे में जानकारी देते हैं, छोटा मोटा ABCD, कोई नर्सरी राइम्स, बाबा ब्लैक शिप, जिस तरह की जो होती हैं वो कही जाती हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ड्रेस में होते हैं सारे। तो वो क्या होता है कि अच्छा उसमें भी दो कैटेगरीज बना दी, क्योंकि वो पहली दूसरी तीसरी वाला हिसाब नहीं है, तो एक 5 साल के नीचे, एक 5 से 8 साल 10 साल, वो जिस तरह के बच्चे मिले उनको वहाँ पर कर रखा है। हाँ हाँ, तो अलग अलग जगह बैठते हैं और एक आध साल में जब उनका थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, उनका भी इंटरेस्ट आता है, उनमें जो कुछ बदलाव आता है उनके माँ बाप को भी अच्छा लगता, तो फिर वो फिर ये सोचते हैं कि अब इनको पढ़ाई मिल जाए तो अच्छा है। तो हर समय करीब 60 से 70 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अभी भी करीब 65 स्टूडेंट्स हैं। BM हाउस में भविष्य निधि संगठन की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। भविष्य निधि संगठन द्वारा वर्तमान में किए जा रहे नवीनतम बदलाव एवं यूनिवर्सल खाता संख्या की उपयोगिता व उसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई गई। सेमिनार का संचालन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सौरभ जगाती, सहायक भविष्य निधि आयुक्त CP टाक के द्वारा किया गया। क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा भविष्य निधि संगठन द्वारा वर्तमान में किए जा रहे नवीनतम बदलाव एवं यूनिवर्सल खाता संख्या की उपयोगिता एवं उसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई।
उनके द्वारा बताया गया कि यूनिवर्सल खाता संख्या अनिवार्य कर दिया गया है, उसके बिना भविष्य निधि खाता धारकों के भविष्य निधि दावे कार्यालय के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही यह भी बताया गया कि 1/2/2016 से भविष्य निधि अंशदान जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 तारीख कर दी गई है और 5 दिवस का ग्रेस पीरियड समाप्त कर दिया गया है। ऑनलाइन भविष्य निधि दावे एवं अग्रिम की सुविधा उन्हीं खाता धारकों को दी जाएगी जिन्होंने यूनिवर्सल खाता सक्रिय कर लिया है। भविष्य निधि संगठन द्वारा टेलीफोन नंबर 011-2290-1406 पर मिस कॉल करने पर भी भविष्य निधि शेष की जानकारी सदस्य के मोबाइल नंबर पर उपलब्ध होने की जानकारी भी क्षेत्रीय आयुक्त द्वारा बताई गई। उनके द्वारा संस्थान के मालिकों को उनके कर्मचारी श्रमिकों को उनके यूनिवर्सल खाता संख्या बताने एवं सक्रिय करने में यूनिवर्सल खाता संख्या सभी सदस्यों के आधार कार्ड एवं बैंक खाता संख्या से जोड़े जाने पर भी जोर दिया गया। सेमिनार विभाड़ी, कहरानी, चौपान की, पथरेड़ी, खुशखेड़ा व औद्योगिक क्षेत्र से लगभग 200 उद्योगपतियों व अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस सेमिनार में कर्मचारी भविष्य निधि विभाग जयपुर से आए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम ने सिर्फ उद्योगपतियों की समस्या न सुनी बल्कि उन समस्याओं का निवारण भी किया। वो भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, इनके तत्वाधान में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो जो नई हमने इनिशिएटिव्स जो हमने यानी भविष्य निधि संगठन ने लिए हैं पिछले साल डेढ़ साल में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन इनिशिएटिव्स के अंदर जो एक महत्वपूर्ण हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का। तो जैसा आप लोगों को शायद ज्ञात होगा कि पिछले अगस्त 2014 में जितने भी भविष्य निधि के मेंबर्स थे उन सभी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया है हमारी तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से। और उसके बाद हर महीने जैसे जैसे नए मेंबर ऐड हो रहे हैं उन सभी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल रहा है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का जो मकसद है वो ये है कि ये नंबर एक तो हमेशा सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। होता क्या है, जब आप अपनी जॉब चेंज करते हो तो आपका भविष्य निधि का खाता बदल जाता है। अब इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद से आप अपना जो बैलेंस है उसको ट्रैक कर सकते हो, और अगर ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अपने आप बैंक अकाउंट और आधार नंबर से लिंक अप करा लेते हो यानी KYC कंप्लायंट हो जाता है आपका ये अकाउंट नंबर, तो आपका जो भी बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली नए खाते में ट्रांसफ़र होता रहेगा। इसके लिए आपको किसी ट्रांसफ़र फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो अभी पिछले महीने हमने एक नया इनिशिएटिव ये लिया है कि भविष्य निधि पैसा निकालने के लिए जो आपको फॉर्म जमा करने पड़ते हैं हमारे कार्यालय में वो एम्प्लॉयर के थ्रू आते हैं हमारे पास, एम्प्लॉयर का अटेस्टेशन उसमें आवश्यक होता है। तो जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर KYC कंप्लायंट हैं यानी आधार और बैंक अकाउंट से लिंक्ड हैं, उन सारे खातेधारकों को ये सुविधा दी गई है कि वो अपने जो फॉर्म हैं PF विड्रॉल के या एडवांसेस के वो डायरेक्टली हमारे पास हमारे ऑफिस में विदाउट एनी अटेस्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर वो जमा कर सकते हैं और अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि एक ग्रीवांस आती रहती थी हमारे पास कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आनाकानी करते हैं और साइन नहीं करते हैं टाइम पे पैसा विड्रॉ करने के लिए। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिन भी मेम्बर्स के पास है मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो तुरंत ही अपने एम्प्लॉयर के थ्रू अपना आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर लिंक कराएं अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से, ताकि इस नए फॉर्म की वो सुविधा ले सकें। इन केस वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर उनका खाता KYC कंप्लायंट है। अगले महीने से हमने यह जो पैसा जमा करने की अवधि है जो 20 तारीख होती थी अब वो 15 तारीख हो गई है। तो 15 तारीख तक पैसा जो भविष्य निधि का जो पैसा काटते हैं वो उनको जमा कराना है हमारे यहाँ। पहले ये तिथि 20 तारीख हुआ करती थी, तो 5 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिलता था वो अब समाप्त कर दिया गया है। यह सुविधा यह जो कानून है यह इसलिए बदलाव किया गया है क्योंकि अब जो भी पैसा हमारे पास आएगा वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आएगा। तो पहले क्या होता था कि चेक या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट अलाउड था, बट अगले इसी महीने से हमने ये कंपल्सरी कर दिया कि कोई भी पैसा एम्प्लॉयर अगर हमारे पास जमा करेगा वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही करेगा।
तो इसलिए वो 5 दिन का ग्रेस पीरियड हमने समाप्त कर दिया है और अगले महीने से यानी फरवरी से 15 फरवरी लास्ट डेट होगी और यानी 15 तारीख हर महीने की लास्ट डेट होगी पीएफ के भुगतान के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये सारे एम्प्लॉयर से ये अपील करता हूँ कि वो अपना पैसा 15 तारीख के अंदर ही भविष्य निधि कार्यालय में जमा करें। सर दिवाली बहुत वगैरह आपकी तरफ से देखिए ऐसा है कि जैसे हमें इस तरह की शिकायतें मिलती हैं उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं और हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के थ्रू हम उस पर उस तरह की शिकायत को तुरंत टेकअप करते हैं। भविष्य में भी जैसे भी ऐसी कोई शिकायत अगर हमें मिलेगी ऐसी सूचना प्राप्त होगी तो ये हमारा संकल्प है और ये हमारा धर्म भी है कि हम इस तरह की जो इवेजन्स जहाँ पर हैं उनको हम ट्रैक करें और उस पर जो भी एक्शन है हमारे वो हम लें। तो इसमें मैं सबको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से कभी भी कोई इसमें चूक नहीं होगी और अगर कोई ऐसी शिकायत हमें मिलती है तो इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लेंगे। जो लेना जा रहे हैं पैसे अपना बीच में जरूरत उनको पड़ रही है या परमानेंट लेना जा रहे हैं पेमेंट, पहले था जब ऑनलाइन नहीं था तो बहुत काफ़ी टाइम कानूनन जो समय सीमा है वो है 20 दिन की, ठीक है। वैसे जयपुर कार्यालय मैक्सिमम क्लेम हमारे 10 दिन के अंदर सेटल हो रहे हैं जी, जो कानूनन सीमा है वो 20 दिन है, जो स्टैचुटरी लिमिट जिसे हम बोलते हैं टाइम लिमिट वो है 20 दिनों की, बट जयपुर कार्यालय के अंतर्गत हम मैक्सिमम 10 डेज के अंदर क्लेम सेटल कर पा रहे हैं। क्लेम जमा होता है उसके 10 दिन के अंदर भुगतान उसके खाते में पहुंच जाना चाहिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि क्लेम जमा करने के पहले ये निश्चित कर लें कि वो पूरी तरह से भरा हो, उसमें कोई करेक्शन ना हो, अगर करेक्शन है तो वो प्रॉपरली अटेस्टेड हो, उसके संग जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं यानी जैसे बैंक की जो पासबुक होती है उसकी कॉपी लगती है वो भी एम्प्लॉयर द्वारा अटेस्टेड हो, तो और भी अगर कैंसिल चेक लगाया है तो वो भी क्रॉस हो, कैंसिल हो प्रॉपरली और उस पर खातेधारक का नाम हो चेक पर, ऐसे ही चेक लगाएँ ताकि हमें उसको सेटल करने में फिर आसानी रहे और वो क्लेम रिजेक्ट ना हो। सारे डिफॉल्टर्स हैं जिनके खिलाफ हमारे धारा 7A है हमारा, उसके अंतर्गत हम कार्रवाई करते हैं और उसमें जो ड्यूज़ एसेस करते हैं कि इनकी ड्यूज़ कितनी बनती है जो डिफॉल्ट पीरियड की है और असेसमेंट के बाद उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे करीबन 300 समय जयपुर कार्यालय के अंदर अराउंड 300 सच केसेज आर गोइंग ऑन, कुछ समय हमारे पास लंबित हैं। तो इसके अलावा भी जो भी जैसे भी हमें जानकारी मिलती है या हमारे इंस्पेक्शन के दौरान ये मालूम चलता है कि पीएफ का डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उसमें धारा 7A के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। सर काफ़ी फाइयर हैं ऐसे जो ESI PF ही नहीं जमा करवाती है वर्करों का, शायद मैंने बात भी की थी, हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी भाई साहब से, बताया भी था मैंने एक आज कंपनी के बारे में, हादसा होने के बाद पता चलता है इसका ESI PF ही नहीं था, जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इस तरह की इकाइयां आप लोगों को मालूम है, मीडिया को मालूम है, यूनियन यहां पर जो है एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन है, इनके माध्यम से अगर हमारे पास ऐसी शिकायतें मिलेंगी और समय रहते मिलेंगी तो हम उसमें उचित कार्रवाई जल्द से जल्द कर पाएंगे और जितनी देरी से हमें ये सूचना मिलेगी उस पर फिर वो थोड़ी मुश्किल आती है। तो मैं ये आग्रह करूँगा सभी से कि वो अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट है उनके यूनिट में तो वो हमें ज़रूर सूचित करें, पत्र के माध्यम से करें, चाहे पर्सनली करें, चाहे ईमेल के माध्यम से करें, ताकि हम ऐसे यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई कर पाएँ। सर जो शिकायत करें कहाँ करें? हमारे कार्यालय में आके कर सकते हैं, हमारे ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं हमें, और लिखित तौर पर आप चाहें तो चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से भी आप हमें सूचित कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि पीएफ की जो स्टैचुटरी लिमिट है वो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये के ऊपर जो सैलरी पा रहा है स्टार्टिंग राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग तो वो पीएफ के दायरे में नहीं आता है। तो अगर आपकी सैलरी 15,000 के ऊपर है तो हो सकता है कि फिर आप वॉलंटरी मेंबर तो बन सकते हैं, बट कानूनन आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको मेंबर बनाया जाए। 15,000 से कम वाले की बात करो, जो 15,000 से कम वाले हाँ, ऐसा अगर केस है तो वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली वो एक केस इवेजन के अंदर अलवर के अंदर भिवाड़ी में नहीं है कोई, ये मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि जो पीएफ
डिपार्टमेंट ने कुछ नई चीज़ें इसमें पोर्टल में इंस्टॉल की हैं और जो लाए हैं और इसको सरलीकरण इसका किया है, कोड नंबर लेने का, पीएफ जमा करवाने का, अपनी पिछली डिटेल जानने का और जहां पिछली नौकरी कर रहा था वहां पे क्या नंबर था उसको अगली वाली नौकरी में ट्रांसफ़र करने का, इस बारे में जितनी भी नई जानकारियाँ आई हैं उसको आज ये प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने सभी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर इन्वाइट किया है, इंडस्ट्रीज़ के कुछ छोटी इंडस्ट्रीज के हेड आए हैं और बाकी के एचआर हेड यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे हैं और सब हमें उम्मीद है कि सब इससे लाभान्वित होंगे और जो चीज़ें अब तक अपडेट नहीं थी उससे हम अपडेट हो जाएंगे और इससे सभी इंडस्ट्रीज को लाभ मिलेगा और पीएफ डिपार्टमेंट का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि खुद कमिश्नर साहब आके इस कॉन्फ्रेंस को प्रजेंट कर रहे हैं। कर्मचारी कैसे लाभ ले सके, कैसे को डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कर पाएंगे पर जो उनके एचआर के लोग हैं इंडस्ट्रीज में जितने भी उनसे अगर कर्मचारी संपर्क करेंगे तो वो इसमें उनकी मदद कर पाएंगे और आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। जैसे कि हम नया नंबर लेते हैं कर्मचारी का तो उसमें पहले एक महीना लगता था, अब 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी डिटेल भरेंगे और हमारे पास ऑनलाइन ही उसकी सारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसका जो नंबर होता है पीएफ का वो आ जाता है तो कर्मचारी आसानी से अपना नंबर ले लेगा और जो पहले स्लिप सिस्टम होता था वो भी अब सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, इसलिए कर्मचारी को ही सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट है क्योंकि कर्मचारी डायरेक्टली लैपटॉप या कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाता है पर वो अपने डिपार्टमेंट के आदमियों से उसको करके और करवा सकता है और अगर खुद को जानकारी है तो खुद भी कर सकता है या उसके अपने बच्चों से या जो लैपटॉप के बारे में या कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखता है वो अपनी डिटेल डाल के उसमें सारी चीज़ें अपने बारे में जान सकता है और जो नई चीज़ डालनी हो उसको वो उसमें इंस्टॉल कर सकता है। सर अगर बात करें एचआर की, ऐसा नहीं है, सब आजकल इसमें सभी अवेयर हैं और अब तो डे वन से ही कर्मचारियों के फॉर्म भरे जाने लगे हैं और हाँ ये ज़रूर है, मैं ये मानता हूँ जो कैजुअल लेबर होती है जो आती ही सिर्फ दिहाड़ी मजदूर जिसको हम बोलते हैं तो दिहाड़ी मजदूरों के लिए अभी थोड़ी सी दिक्कत है और उसमें दिहाड़ी मजदूर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, वो अपना सच पूछो तो वो डिटेल देना ही नहीं चाहते हैं, तो बाकी जो भी परमानेंट लोग हैं या जो इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं उनके लिए इंडस्ट्रीज वाले भी अवेयर हैं और आजकल कर्मचारी भी अवेयर हैं तो वो भी इससे लाभान्वित होंगे और इंडस्ट्रीज भी अवेयर हैं, इससे लाभ मिलेगा निश्चित रूप से हम ये मानते हैं। दिवाली के भारत विकास परिषद ने कृष वाटिका में मंगलवार को धूमधाम से स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई। इस अवसर पर लोगों को नशा मुक्ति के साथ साथ स्वच्छ कृष अभियान का संकल्प भी दिलाया गया। भिवाड़ी के भारत विकास परिषद द्वारा किस वाटिका में स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। सुबह स्वामी विवेकानंद के जीवन पर गोष्ठी की गई। इस अवसर पर नशा मुक्ति के लिए संकल्प दिलाया गया व स्वच्छ कृष अभियान का संकल्प भी दिलाया गया जिसके बाद जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरण किए गए। क्षेत्रीय मंत्री आर के गुप्ता ने जहां स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने की अपील की वहीं शाखा अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने नशा छोड़ने के घरेलू नुस्खे भी बताए। समारोह में शाखा सचिव योगेश जैन, कृष रेजिडेंट सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश जैन, रोटरी क्लब के सचिव संजय गुलाटी, अमित यादव, अशोक गुप्ता, सुनील तायल, नंबरदार कुलवंत राय, आदित्य अग्रवाल एवं पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नमिता शर्मा सहित अन्य परिषद पदाधिकारी सदस्यगण उपस्थित रहे। लोहड़ी का त्यौहार है और कई शहरों में यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खबर 24 की टीम ने भिवाड़ी में पंजाबी परिवार से खास बातचीत की, तो चलिए जाते जाते आपको छोड़ चलते हैं लोहड़ी की इस खास पेशकश में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जमशेद खान और खबरें 24 की टीम आज नागपाल परिवार के घर पहुंची है लोहड़ी के बारे में जानने के लिए। क्या लोहड़ी पंजाब प्रांत में मनाई जा रही है या अलग देशों में भी मनाई जाती है और दूसरा कि लोहड़ी का महत्व क्या है,
हम बैठे हैं और यहाँ BDI सोसाइटी में आए हैं, नागपाल परिवार हमारे साथ पूरा बैठा है, डिस्कस करेंगे हम लोग, जानेंगे क्या लोहड़ी का क्या महत्व है जो आज का दिन है मनाई जाती है। एक्चुअल क्या है, ये कहते हैं लोहड़ी पंजाब से शुरू हुई थी। पहले जो फसल पकती थी उस फसल का भोग लगाया जाता था, इसलिए सारे लोग उसके कहते 2-3 महीने आपसी में कट जाते थे, उन सबको मिलने के लिए ये लोहड़ी का त्यौहार शुरू हुआ। इससे हमारा नया साल भी शुरू होता है। जैसे अभी तो जनवरी फरवरी मार्च आता है, पहले उसके कहते देसी महीने होते थे जिसकी शुरुआत आज से होती थी, वो भी खुशी होती थी और आपसी में मिलते थे। फसल से ही पहले सबका जीवन चलता था, तो उस जीवन को चलाने के लिए घर पे सामान आएगा, उसके कहते हैं दुकानदारों के पास, आढ़त के पास सामान पहुंचेगा, तो इसलिए उसकी खुशी मनाया करते थे कि हम 3 महीने बाद बिल्कुल अभी 1-1.5 महीने के लिए फ्री हो गए हैं। आपसी में इसी बहाने बैठते थे, मिलते थे, जुलते थे, तो इसी से शादियों के रिश्ते भी निकलते थे, आपसी में बातें भी निकलती थी, तो इसलिए ये पंजाब जिस तरह से मानते हैं कि अंग्रेजी में मानते हैं कि नया साल 1 जनवरी से चालू होता है, दिसंबर से चालू ख़त्म होता है जैसे दिसंबर, तो हमारे हिंदुस्तान में जो मानते हैं यानी कि आज के दिन यानी कि लोहड़ी जिस दिन मनाई, इस दिन से नए साल की शुरुआत होती है, यही मानते हैं हम लोग। हाँ जी, यही है। हाँ जी बिल्कुल, नए साल से इसके तहत मनाते हैं और पहले जो भी बड़े बुजुर्ग थे अपने बही खाते भी आज से ही शुरू करते थे। ये तो अब उसके तहत मार्च का महीना क्लोजिंग आ गया, पहले जो लाला लोग होते थे वो क्लोजिंग भी आज ही करते थे। जानना चाहूंगा क्या लगता है, क्या शंकर सैनी जी क्या? यही लोहड़ी पे सब इकट्ठे होते हैं भाई मिलजुल के, जैसे भी अगर शादी भी हमारे घर में होती है तो हमारे जैसे बच्चा भी होता है, जैसे पहली दिवाली होती है वैसे ही हमारे पंजाबियों में पहली लोहड़ी बनाई जाती है। लोहड़ी का त्यौहार जैसे हमारा ऐसी हर तरीके से सालों से यही चला आ रहा है, जो हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग जो बनाते थे। फिर हमारा जो नया साल शुरू होता है वो इसी दिन से शुरू होता है, जो हमारी फसल कटती है वो इसी दिन से कटती है, ये हमारा पंजाबियों का त्यौहार है। जिस तरह हम लोग नागपाल परिवार में बैठे हैं, हमारे पास माताएं बहनें और बैठी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे क्या आज के दिन क्या व्यंजन बनाए जाते हैं, लोहड़ी के दिन क्या खाते हैं, किस तरह से नए साल की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ माताएं बैठे हैं, उनसे हम जानेंगे क्या आज के दिन क्या स्पेशल चीज़ इनकी बनाई जाती है घर में और लोगों से। मुझे ये भी सुनने में आया जिस तरह माताएं बहनें आज के दिन अपनी बहन को या अपनी बेटियों को लोहड़ी भी भेजी जाती है, उसके बारे में हम जानते हैं क्या ये चीज़ें भी आज के दिन भेजी जाती हैं। हमारे साथ माताएं बहनें बैठी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज का दिन लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो क्या लगता है औरतों में कैसा उत्साह होता है इस चीज़ में? लोहड़ी के त्यौहार की तो बहुत उत्साह होती है, क्योंकि ये त्यौहार हमारे यहाँ ज़्यादातर नए साल का तो होता ही है। इसमें ये भी होता है जैसे नई मैरिज होती है उसकी पहली लोहड़ी मनाई जाती है, बच्चे की मनाई जाती है, लड़के की या लड़की की भी मनाई जाती है, और इसी मतलब मेन तो इसी मनाते हैं इसी को। जिससे लड़कियों को आप जैसे शादी उनकी लोहड़ी पहली, हाँ पहली लोहड़ी, जैसे हमारे बेटे की भी पहली लोहड़ी है और हमारे पोते की भी पहली लोहड़ी है। जी जी, तो उसकी तो उसमें क्या स्पेशल होता है? मैं स्पेशल तो हमारे यहाँ होता है मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक, और वो जलाते हैं जब लकड़ी जला के, तब वो चारों तरफ उसके फेरे लेके तब वो मनाते हैं। मेन तो मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक, कोई तिल के लड्डू बनाता है, कोई कुछ ऐसे बनाता है। जिस तरह लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है, हमारे साथ माताएं बैठी हैं, काफ़ी ओल्ड एज हैं, और उनसे हम जानेंगे क्या इतनों सालों से लोहड़ी मनाई जा रही है और आज का दौर में और उस साल में तो कुछ डिफरेंट आया है, वो हम जानेंगे। माताएं हमारे साथ बैठी हैं, आइए बात करते हैं इससे। जी मैं नाम जानना चाहूँगा। अनीता। अनीता, लगता है जिस तरह से अपन आज लोहड़ी का त्यौहार मना रहे हैं, आपके उस दौरान और आज के दौरान में क्या कितना अंतर है, किस तरह से मानती हैं आप इसी? मतलब पहले थोड़ा सादा में मनाते तब भी थे जी, आजकल थोड़ा वो ज़्यादा मतलब हो गया, बट मनाते पहले भी बहुत अच्छे से थे, आज भी बहुत अच्छे से हैं। बहनों बेटियों को मूंगफली, रेवड़ी वगैरह पहले भी दी जाती थी, आजकल और कुछ सर्दी कम हो मतलब सर्दी का प्रकोप ज़्यादा होता है तो लोहड़ी जलाई जाती है, उससे सर्दी कुछ कम भी हो जाती है। जिस तरह से अपन मानते हैं, जिस तरह से पहले सुविधाएं बहुत कम थी, फैसिलिटीज कम थी, और आज के दौर में माने तो क्या उस दौर में और अब दौर में कितना अंतर आया?
कि पहले क्या है कि साधन नहीं थे अपने पास, ऐसी सुविधाएं नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, फिर भी बच्चे बहुत दूर दूर से भी लकड़ियां वगैरह इकट्ठी कर 15-15 दिन पहले ही इकट्ठी करनी शुरू कर देते थे, जलाते थे अच्छे से। पहले बच्चे लोगों के घरों में भी जाया करते थे हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन पहले, आजकल वो चीज़ नहीं है। जिस तरह से पहले जैसे लोहड़ी अपने गांवों में देखे हम लोगों ने, गोबर के जो छोटे छोटे टिक्कियां बना के इकट्ठा, तो यहाँ आज दौर में वो बनता है ये चीज़, आज कम हो गया, वो चीज़ कम हो गया, बाकी लकड़ियों से आजकल भी जलाते हैं। लेकिन सबसे महत्व जो है चीज है जैसे गोबर की वो टिकड़ी सी बना के अपन बनाते थे, तो वो ज्यादा मायने रखती थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, वो भी सही थे, आजकल लकड़ियां आ गई हैं। जिस तरह से समय बीतता है, समय के साथ अभाव बीतते हैं, समय के साथ चीजें बदलती हैं, क्या पहले लोहड़ी और अब लोहड़ी में जिस तरह से मल्टी फैसिलिटीज बदल रही हैं उस हिसाब से हर चीज का तब्दील आती है। हाय मंजुला, ओके आप कैसे लोहड़ी मना रहे हो? कुछ हम मामा के घर आए हैं, मेरे मामा के घर, और ये जो बेबी है इसकी फर्स्ट लोहड़ी है, और बेबी की मम्मा की भी फर्स्ट लोहड़ी है, और शाम को हम पार्टी करेंगे, हम तो ऐसे ही मनाते हैं, डीजे डांस। हम स्पेशल लोहड़ी के फंक्शन के लिए आए हैं, हमारी बहू की भी पहली लोहड़ी है और हमारे पोते की भी पहली लोहड़ी है, आज हम नाचेंगे गाएंगे खूब खुशियां मनाएंगे। ओए दूल्हा पट्टी वाला, ओए दूल्हे जी ती वे आई, ओए चला चलकर पाई, ओए सुंदर मुंदरी हो तेरा कौन बेचारा हो, दूल्हा पट्टी वाला हो दूल्हे दी ती वे आई, हो से शक्कर पाई, हो कुड़ी दा लाल पटाका, हो कुड़ी दा सालू पटा, हो सालू कौन समेटे, हो चाचा गाली देसे, हो चाचे चोरी चूरी खुट्टी, होए जमींदारा लुट्टी, होए जमींदारा लुट्टी, होए सुंदर मुंदरी ए होए कौन बेचारा, होए दूल्हा पट्टी वाला होए। अगर हमें लोहड़ी जो नहीं देता है हम फिर ऐसे बाद में बोला जाता है हुक्का बे हुक्का ए कर पुक्का, जो नहीं देता। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं हमें लोड़ी मिल गई, हमें लोड़ी मिल गई। नहीं तब बोलते हैं कर रजिया, ऐ कर रजिया। वो सारे बॉयज आए हैं, हमारे इस पोते की पहली लोड़ी है अभी, बहू की भी और पोते की भी, इसलिए हम दिल्ली से आए हैं स्पेशल। अच्छा अच्छा। देश भर में लोहड़ी का प्रोग्राम जो महोत्सव मनाया जाता है, और पंजाबियों का एक अहम प्रोग्राम होता है लोहड़ी का, और आज हमारी खबरें 24 टीम जो एक फैमिली में डिस्कस करने आई है, और हम बात करेंगे क्या लोहड़ी का एक महत्व क्या है, किस तरह से लोहड़ी मनाई जाती है। मैम क्या क्या लगता है किस तरह से लोहड़ी का प्रोग्राम है प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, और एक अहम जो लोहड़ी का प्रोग्राम है पंजाबियों में मनाया जाता है, लगता है किस तरह से ये प्रोग्राम मनाते हैं लोग? लोहड़ी अगर हम इसे इस तरह से देखें कि प्योरली पंजाबियों का प्रोग्राम ही नहीं है, लोहड़ी पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, कहीं इसको ओनम कहीं पोंगल हर तरह से, जैसे कोई हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जिस इस समय खेतों में फसलें लहला रही हैं, सरसों के खेत देख लो, फसलें जो हरियाली देखकर किसान खुशी से सराबर हो जाता है, उसको पकने की उम्मीद में दो और अच्छी फसल की उसमें वो अलाव जलाता है, जैसे कहते हैं ना कि गर्मी की ऋतु की शुरुआत भी होती है, तो लोहड़ी में गीत गाते हैं नाचते गाते हैं। पहले क्या होता था कि वहीं घर बना के रहा जाता था, पंजाब में आज भी अपने खेतों में, जैसे आजकल तो फार्म हाउस कल्चर हो गया है, तो किसान जैसे अपने खेतों के पास गांव में रहते हैं करते हैं, तो वहाँ लकड़ियाँ जलाई अलाव जलाए, उपले होते हैं उपले उनमें डाले, तो एक सेक हो गया, एक जैसे कहते हैं गर्मी मतलब ऊष्मा भी ऊर्जा भी, और फिर जो इस समय सर्दी का जो खाद्य पदार्थ हैं गजक रेवड़ी और तिल है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल जो हम सर्दी में करते हैं, तो वो उनको मिल बैठ के खाना,
तो जो पुराना कल्चर है वो बरकरार रखे हुए है, तो इसके माध्यम से जैसे हम गुड़ रेवड़ी तिल का सेवन करते हैं, क्योंकि लोहड़ी के बिल्कुल ही बाद अपनी मकर संक्रांति आ जाती है, तो कहते हैं ना मकर संक्रांति का जो आरंभ होता है तिल तिल करके सूर्य देवता अब बढ़ने लगते हैं, यानी धीरे धीरे शनि शनि उनका जो उत्तरायण और जो उनका जो एक फॉर्मेशन है, तो सूर्य गर्मी की ओर अग्रसर होते हैं, सर्दी के दिन कम होते हैं और दिन बड़े होने लगते हैं। तो एक परिचर्चा इस विषय में लोहड़ी और जिसे कहते हैं मकर संक्रांति को दोनों को जुड़ाव देती है। अभी इस बार जरूर अगले दिन लोहड़ी के मकर संक्रांति नहीं है, क्योंकि उत्तरायण इस बार देर से हो रहे हैं। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश रात 1:45 कुछ ऐसे 15 मिनट पर हो रहा है, तो वो 15 तारीख से इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाएगी। तो लोहड़ी को हम मकर संक्रांति के साथ भी जोड़ते हैं, खुशियों के साथ नाचना गाना गीत और एक परिवार कुटुंब बैठकर अलाव के आसपास, जैसे अभी भी सर्दी में कहते हैं ना एक जुड़ाव, क्योंकि जब आग जला के बैठेंगे तो यकीनन ये तो नहीं कि एक एक कोने पे बैठा दूसरा दूसरे पे, सब जुड़ के पास आएंगे, पास आएंगे तो आपस में बतियाएंगे भी, बातचीत भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो वो पौष्टिक भोजन भी होगा और गुड़ और रेवड़ी और तिल का सेवन भी। जब बाजारों में रेवड़ी गज्जक तो दिखने को लगता है, ऐसा लग रहा है कि नया संवत आने वाला है। जी बिल्कुल। और पंजाब में वहाँ खास तौर ये दिखता दिखने में मिला है अपने लोगों कि जिस तरह से लोहड़ी का पहली लोहड़ी बहन को भाभी को भेजी जाती है जी, वो क्या मकसद होता है उसमें, क्या होता है पंजाबियों का त्यौहार, यहाँ पर एक परिपेक्ष जरूर पंजाबियत से जुड़ जाता है। घर में नया विवाह होता है तो जैसे लड़के की पत्नी यानी कि बहू घर में आती है तो उसके मायके से सामान आता है, घर में सभी के कपड़े खाना पीना गजक रेवड़ी जिस हिसाब से, और उसको फिर वो बहू जो होती है उसको अग्नि के पास वापस से 7 फेरे दिलाए जाते हैं जी। जैसे हम शादी में जैसे कर्म होते हैं कि 7 फेरे लेते हैं हम सप्तशती के हिसाब से और श्लोकों के हिसाब से कि हम पति और पत्नी एक अच्छे संबंध में बंध रहे हैं, तो लोहड़ी के अवसर पर भी 7 फेरे दिलाए जाते हैं। आज की डेट में चाहे वो शादी को कई साल भी हो गए हों, 7 फेरे आज भी चप्पल उतार करके नंगे पैर लगाए जाते हैं जी। जो पहली जो लोहड़ी भेजी जाती है जी, बहू आती है तो उसको इसके दौरान जी जी फिर से वो कहते हैं एक रिमाइंडर होता है। हाँ जी हाँ, अग्नि के साक्षी आप रहे हो तो दोबारा से उस साक्षी को मान करके फेरे दिलाए जाते हैं। ऐसे घर में पुत्र जन्म होता है, आजकल पुत्र और पुत्री का तो कोई ऐसा नहीं है, घर में पहली संतान का जब जन्म होता है तब भी ऐसे ही पहली लोहड़ी का उत्सव मनाया जाता है। तो वो पंजाब से लेकर राजस्थान हरियाणा जहाँ भी कल्चर के लोग हैं, या आजकल तो कहते हैं ना उत्साह से कोई भी त्यौहार मनाओ तो एक जुड़ाव महसूस होता है। तो दो पंजाबी भी हैं तो और लोगों को सब बुला लेते हैं, तो हम जैसे भिवाड़ी में रहते हैं तो भिवाड़ी को लघु भारत का उपनाम दिया है, तो हर कॉम्प्लेक्स में अगर 5 पंजाबी हैं तो 25 अगर दूसरी कास्ट के भी हैं। देखते हैं हर इवेंट है आपको भी भिवाड़ी की आवाज़ का नाम दिया हुआ है। शुक्रिया। नहीं ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, लेकिन हाँ अच्छा लगता है कहीं प्रोग्राम कराने जाना और एक जुड़ाव सा महसूस होता है। तो उस समय ये नहीं होता कि मैं क्या हूँ, मैं भिवाड़ी का एक जिसे कहते हैं एक स्तंभ कह लो, एक ऐसा कोना कि दूसरे कोने को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, बांधता है और खुद भी बंध जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है और आप लोग सबको जो ये कैप्चर करते हैं ये बहुत अच्छा है। तो इस बार क्या खासियत है आज की जो हर साल के महत्व इस बार कुछ अलग, हर कॉम्प्लेक्स में मनाया जाता है आजकल तो। अब भिवाड़ी में इतने सारे होटल्स हो गए, पहले की भिवाड़ी और आज की भिवाड़ी में कितना अंतर आप देख रहे हैं। पहले भिवाड़ी में गिने चुने हाउसिंग बोर्ड रहते थे, अब आशियाना के कितने हैं, आशियाना से आगे बढ़ते चले जाएं टूवर्ड्स अलवर तो इतने सारे कॉम्प्लेक्सेज हैं। हर कॉम्प्लेक्स अपना लोहड़ी के ही नहीं, न्यू ईयर का भी फंक्शन है, मकर संक्रांति से लेके हर पर्व मनाते हैं। जी हाँ, पंजाबी सभा सोसाइटी की मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हूँ। इस तरह का प्रोग्राम लोहड़ी पंजाबियों का होता तो सब लोग इकट्ठा नहीं मनाते, एक साथ होते हैं। आज लॉयंस क्लब में इसको इकट्ठा किया है। अच्छा, 9 बजे से डिनर भी वहीं पे है, तो 9 बजे से लॉयंस क्लब के जितने भी पंजाबी हैं अदर देन पंजाबी भी वो सब वहाँ पे जाएंगे और ऐसे ही बीच में अलाव जला के सभी जोड़े से उसमें फेरे लेंगे और मूंगफली गजक रेवड़ी का सेवन करेंगे, आनंद लेंगे, गीत गाएंगे। क्योंकि लोहड़ी के पीछे एक्चुअली गीत जो था, पंजाब में एक दूल्हा भट्टी वाला करके डाकू हुआ करता था और उसने एक गरीब कन्या ने उसे बोला कि मैंने तुम्हें भाई बनाया है, मेरे पीछे बहुत से आतंकी और इस तरह सा कुछ माहौल के लोग पड़े हैं और मैं बड़ी दुखी हूँ। उस
लड़की के पिता ने प्रार्थना की कि आप मेरी बेटी का अगर विवाह करा दें क्योंकि मेरी बच्ची बहुत सुंदर है और यहाँ का सुल्तान उससे जबरन विवाह करना चाहता है, तो दूल्हा भट्टी वाले ने उस बच्ची का कन्यादान किया। और बड़ी ताज्जुब की बात थी कि उस समय उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसके पल्लू में सिल्क के उसके पल्लू में गजक और गुड़ के टुकड़े थे, तो वो उसने उसको कन्यादान स्वरूप दिए। तो वो तब से लोहड़ी का पर्व इस ढंग से मनाए जाने लगा। हाँ कि तो उस बच्ची का नाम शायद सुंदरी था, तो सुंदरी मुंदरी होए तेरा कौन बिचारा, दुल्ला भट्टी वाला दुले दी धीवे आई, शेर शक्कर पाई दुलीदा सालू पाटा, तो वो इस तरह के शब्द जुड़ते चले गए और वो गीत बन गया। और आज भी अगर आप ग्रामीण कल्चर की ओर जाएँ, पंजाब के और छोटे गाँव में ढाणियों में आप जाएँ, तो देखेंगे छोटे छोटे बच्चे आज भी लकड़ी कंडे और गुड़ इस उपले इस तरह की चीज़ें इकट्ठे करते हैं, मांगने जाते हैं, चाहे बड़े से बड़े घर का बच्चा हो, लेकिन एक कस्टम कह लें रिचुअल कह लें कि उसको मांगने में कुछ शर्म महसूस नहीं होती। लोग इच्छा अनुसार लकड़ी देते हैं, चाहे उपला दें चाहे उसके अंदर गजक रेवड़ी मूंगफली या पैसे दें, तो वो हर घर में एक परिपाटी सी चली आ रही है कि लोहड़ी मांगी जाती है। बिल्कुल, तो वो आजकल जिसे कहते हैं ना हंसते में हुक्के ते हुक्का, अगर वो नहीं देते हैं तो बच्चे उसको भी बड़े जोर से लाउडली बोलते हैं हुक्के ते हुक्का, अगर नहीं दिया तो ये घर भुक्का। हाँ तो वो बोल देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो वो मकान मालिक को एक अंदर से एक फील लगता है कि नहीं मुझे सब नहीं सुनना है, तो वो देना चाहते हैं, चाहे कुछ भी दें श्रद्धावश कुछ भी दें। और झंडे ते झंडा ए घर चंगा, ये घर बहुत अच्छा है। जी हाँ बिल्कुल, तो ये शब्द जो जुड़े हैं वो पुराने परिपाटी में चले आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आज के लिए जनता के? मेल मिलाप का त्यौहार है, अच्छा त्यौहार है, और सिर्फ इसे पंजाबियत के साथ ना जोड़ें, सभी के सौहार्द रूप मेल रूप में परिपेक्ष में जोड़ते हुए आगे बढ़ें। कहते हैं अग्नि किसी की नहीं है, एक अग्नि कैसा माध्यम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उस पर भोजन बनाते हैं, और गैस का भी स्वरूप है तब भी आग तो जलती है, जलती है, किसी के यहाँ हवन कुंड में जलती है, तो किसी के यहाँ शादी में जलती है, किसी के अलाव के रूप में हाथ सेकने को जलती है, तो कहीं शरीर को गर्म रखने के लिए। तो भारत में जितने प्रांत हैं, जितनी भी यहाँ पर कस्बे ढाणियाँ हैं, अग्नि का स्वरूप तो अपने मौलिक रूप में है, सूर्य भी अग्नि का स्वरूप है जो हमें ऊष्मा देता है, तो इस अग्नि को हम साक्षी मानते हैं। और वो ये नहीं देखती अग्नि कि मैं इसको कम दूं, अमीर को ज़्यादा दूं, गरीब को कम दूं, वो जब अपना संपूर्ण देती है तो हम कौन होते हैं अपने आप को इस ढंग से बांटने वाले। तो उस अग्नि को साक्षी मानकर जुड़ें, एक दूसरे के प्रति ऊष्मा महसूस करें, उस गर्मी और नरमी के साथ आपस में मिलकर बांटकर इस भिवाड़ी को और सक्षम और सार्थक बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाम जानना चाहूँगा आपका। प्रेमलता। प्रेमलता जी, आज जो लोहड़ी का त्यौहार है और लोहड़ी मनाई जा रही है आपके इस गार्डन इसमें सोसाइटी में, तो क्या लगता है किस तरह से लोग मना रहे हैं? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, खुशी के लिए, आगे उनके पहले बहू बेटियों के लिए। जैसे पहला बच्चा होता है, बहू आती है, उसकी खुशी में भाई ये प्रथा चली आ रही है, रेवड़ी मूंगफली और ये बहू बेटी से पहले पानी लेके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बल देते हैं, वो करते हैं और आगे के लिए कामना पूरी करते हैं कि हमारी भाई होड़ी माता हमारी ये कामना पूरी करे, हमारे बच्चे फूले। क्या जी मैम, जो आज लोहड़ी का जो पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, क्या लगता है किस तरह से यहाँ पे आज मनाएंगे आप लोग? हम लोग जैसे आपको पता है कि ये अपना जो लोहड़ी का त्यौहार है पंजाब का एक फेस्टिवल है, और इसीलिए कि फसल लहराती है और उस फसल की वजह से अपनी खुशियों को मनाने के लिए हम लोहड़ी बनाते हैं, सब साथ होते हैं। देखिए कोई भी फंक्शन जब हम भारतवर्ष में बनाते हैं तो उसका मेन एम ही होता है कि हम मिलकर खुशियां बांटकर अपने फंक्शन को बनाएं। तो हमारा आशाना गुलमोहर नाम से ही गुलमोहर है, एक महक एक खुशबू इसके अंदर है, तो यही खुशबू यही महक हमारी आज लोहड़ी में भी धूम धड़ाके के साथ आपको नज़र आएगी। आप भी इस हमारे फंक्शन में शामिल हुई है और आप भी इस रंगारंग प्रोग्राम का आनंद उठाइए। इस तरह हर साल का लोहड़ी का प्रोग्राम आता है, महोत्सव आता है, तो इस बार कुछ खास आपने रखा है? हाँ, इस बार हम लोगों ने खास यही है कि देख रहे हैं आप सब
सजे धजे हमारे यहाँ आए हैं, सबके चेहरे पे एक अच्छी ऊर्जा, एनर्जेटिक वे में जो ऊर्जा दिखाई देती है वो है, नया साल शुरू हुआ है, ढोल हमारे आए हुए हैं, और हमारा एक एम कि हमारा जो हमारा यहाँ एक एसोसिएशन होती है, यहाँ पर एक हमारी गुलमोहर की एसोसिएशन है, तो हमारा जो मेन यहाँ एम हम इस एसोसिएशन का, क्योंकि नई स्टार्ट हुई है तो उनका हमारा जो मेन एक एम है कि बॉन्डिंग, कि हम जितने भी यहाँ रेजिडेंशियल लोग रहते हैं उनमें आपस में एक बॉन्डिंग हो, तो वो बॉन्डिंग आज हमारा मेन एम है, वो बॉन्डिंग अभी आपको इस फंक्शन में भी देखने को मिलेगी। नहीं, बेसिकली हम लोग तो पंजाबी है नहीं, पर जो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट होता है तो वो हैपनिंग लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है एटलीस्ट, तो वो फीलिंग अच्छी आती है कि उसकी नेगेटिविटी लगता है कि जो इसकी बॉन्ड फायर जो भी करते हैं तो वो एनर्जी ऐसी लगती है उसमें, हमें पॉजिटिविटी सी आती है, तो फिर कुल मिला के मतलब हैपनिंग सा लगता है, और सबकी एक गेट टुगेदर और इंटरेक्शन, एक कोई मायने नहीं रखती चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, एक्चुअली हम सारे फेस्टिवल एक सोसाइटी में इनफैक्ट सब तरह के लोग हैं, तो हम लोग सब कुछ सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा ना लगे कि नेग्लेक्टेड फील हो या कुछ हो, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट एटलीस्ट बने इस सोसाइटी का, तो ये एफर्ट हमारे रहते हैं कि हम लोग सबको प्रॉपरली इक्वली ट्रीट करें। आप क्या, आपका क्या कहना है इसका? बस यही कहना है कि हमें सभी लोग मिलके, मतलब कोई भी धर्म हो कोई भी जाति के लोग हो, सभी मिलके इकट्ठे हर फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छी तरह करते हैं सभी मिलके। तो इस बार क्या खास आप लोगों ने तैयारी की? तैयारी तो वही है और ऐसा कुछ वो नहीं है, सारा सेम ही है, मगर ये है कि यही चाहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपना मिल के करें। थैंक यू। सारे हम मूंगफली और सारा हम करेंगे, सारा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोहड़ी मनाते हैं लेकिन लोहड़ी मनाने से पहले लोहड़ी मांगी जाती है, तो लड़के जो लोहड़ी मांगते हैं वो तो सुंदरी मुंदरी ओए तेरा कौन बिचारा, दुल्ला भट्टी वाला दुल्हे जीती वे आई, शेर शक्कर पाई दुल्हे दस आलू पाटा। तो अब लड़कियां जब मांगती हैं लोहड़ी वो इस ढंग से मारती हैं, तिले आ रिया भरी तिले मोतिया लड़ी, तिले उस वाले आ जिथे गुगे दवया, गुगा जमया सी गुड़ वंडया सी, पा माई पा काले कुत्ते नु भी पा, काला कुत्ता दे वधाइयां तेरी जीवन मजी गाइयां, सत्या पुत्रां दी कमाई डोली छन छन कर दी आई, साडे पैरां विच रोड असी लेके जाना नोट, मतलब पैरों में हमारे रोड़े आ रहे हैं हमने नोट लेके जाना है, तो ये लेके जाना है, तो ये बहुत अच्छा है। मांग कर त्योहार मनाने का एक अलग ही जज्बा रहता है, और उसमें चाहे वो कुछ भी दें पर देंगे जरूर, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरह आप देखिए थाल सजा हुआ है, इसमें हर घर से अपने अपने घर से मूंगफली रेवड़ी गजक और फुल्ले लेके आते हैं, फुल्ले मखाने बोलते हैं उनको, पॉपकॉर्न्स को, तो लेके आते हैं और साथ यहाँ पे परिक्रमा करेंगे और ये जहाँ पे डाले जाते हैं। अभी हमारे बीच में सैनी जी आ गए और रतन सिंह सैनी जी लोहड़ी बहुत जोर शोर से मनाते थे, अभी हम उनको कॉल करते हैं। ये एक मौसम के हिसाब से, जैसे इस टाइम पर इतनी सर्दी होती है तो उसके हिसाब से इसमें जो आग जला के सभी लोग उसका एंजॉय करते हैं, लेकिन इसका जो एक बैकग्राउंड है वो ये है कि पंजाब के लोगों का जो खान पान रहन सहन और एंजॉय करने का जो एक उनका शौक है, तो वो शौक के हिसाब से इस त्यौहार के ऊपर वो खुशी मनाते हैं, भंगड़ा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और इसका दूसरा पहलू है कि साल के अंदर अंदर जिस घर में भी लड़का पैदा हुआ हो या किसी लड़के की शादी हुई हो, We'll be right back.
हाथ से मना रहे हैं और इस पर्व पर हम आज मेलविन जॉन जो फाउंडर हैं लॉयंस क्लब के, उनका जन्मदिन है, वो भी हम बड़े उत्साह से मना रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव शायद मेलविन जॉन जो फाउंडर हैं लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के, आज उनका जन्म दिवस है और इस दिन हम एक तो लोहड़ी का पर्व मनाते हैं और इनका जन्मदिन भी हम इसी दिन मनाते हैं। ये हमारे लिए गौरवशाली बात है और हमारे लिए फख्र की बात है कि हम आज इस दिवस में सारे जितने भी लॉयंस क्लब के मेंबर हैं सारे इसमें शिरकत कर रहे हैं और हम बड़े उत्साह से इस दिन को मना रहे हैं।